लेटली अगर आप देखें तो जो कार बाइंग एक्सपीरियंस है एकदम बदल चुका है। अगर आप 3-4 साल पहले जाए तो जो कस्टमर है उसकी पूरी चलती थी एक गाड़ी की ट्रांजैक्शन में, वही असली मालिक था। लेकिन अब ऐसा कुछ हो चुका है कि जो कार डीलर्स है उनकी ज्यादा चलने लग गई है कस्टमर के ऊपर से, और अब ऐसा लगने लग गया है कि वो एहसान कर रहे हैं कस्टमर के ऊपर अपनी गाड़ी को बेच के। तो आज देखते हैं कि क्यों पिछले 2-3 सालों से जो कार डीलर्स है इतना ज्यादा मिसट्रीट करने लग गए अपने कस्टमर को, और जो गाड़ी को खरीदने वाला एक्सपीरियंस है कितना बेकार हो चुका है। तो सबसे पहले हम आते हैं कि जो कार डीलर्स है एक नई गाड़ी को बेच के पैसे कैसे कमाते है, और इसमें मेनली 6 इनकम सोर्स है उनकी, जिसमें पहले इनकम सोर्स है कि उन्हें कमीशन मिलती है एक गाड़ी को बेचने में। तो फॉर एग्जांपल एक ह्यूंडा का डीलरशिप है और वो ह्यूंडा की गाड़ी बेच रहा है, तो जो ह्यूंडा कंपनी है उस डीलरशिप को कुछ कमीशन देगी वो गाड़ी को बेचने पे, और ये जो कमीशन है इंडिया में काफी कम है, जो कि वेरी करती है 2.3% से लेके 5.5% के बीच में एवरेज, जो कि अगर आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से देखें तो कुछ ज्यादा कम है, क्योंकि अमेरिका में 8 से लेके 10% के बीच में है और चाइना में 11 से लेके 13% के बीच में है। और ये जो कमीशन है ये वेरी करती है गाड़ी के प्राइस से और गाड़ी के मॉडल से, कि मान लो कि गाड़ी ऐसे कुछ मॉडल वाली है, फॉर एग्जांपल ह्यूंडा क्रेटा, जिसकी जो हाइप है अपने आप कस्टमर्स के बीच में बनी हुई है, और जो डीलर्स हैं उन्हें ऐसे बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती गाड़ी को बेचने पे, तो इसलिए ऐसी कार्स पे जिनमें बहुत ही हाइप बनी हुई है जो कार डीलर्स हैं उन्हें काफी कम कमीशन मिलती है। और वही मान लो एक ऐसी गाड़ी है जो कि बिकी नहीं रही, कस्टमर आई नहीं रहे, फॉर एग्जांपल सिट्रॉइन की, तो इसमें जो कार डीलर्स हैं उन्हें काफी डिसेंट कमीशन मिलने वाली है अपनी गाड़ी को बेचने पे। फिर कार डीलर्स का सेकंड इनकम सोर्स है गाड़ी को फाइनेंस करने में, कि अगर आप जनरली देखें अगर आप गाड़ी खरीद रहे हैं किसी भी डीलर से, तो जो डीलर है आपको बोलते हैं कि हमारे थ्रू फाइनेंस करा लो, हम आपको बढ़िया इंटरेस्ट रेट देंगे। और ये इसलिए होता है क्योंकि ये जो सारे डीलर होते हैं इनके टाइप होते हैं डिफरेंट डिफरेंट बैंक से, और ये जो सारे बैंक है इन्हें कमीशन देते हैं अपनी गाड़ी को फाइनेंस कराने में इनके थ्रू, और ये जो कमीशन वाली होती है 1 से लेके 2% के बीच में होती है। तो मान लो 20 लाख की गाड़ी है, उस पर अगर आप 15 लाख रुपए का फाइनेंस कराते हैं अपने जो डीलरशिप है उसके थ्रू, तो जो डीलरशिप है उसे 15 से लेके 30 हजार रुपए के बीच में मिल सकता है उस बैंक के थ्रू, अगर वो फाइनेंस करा पा रहा है। और साथ ही में इनके टारगेट भी होते हैं कि आपको 1 साल में या फिर 1 महीने में इतनी गाड़ियां फाइनेंस करानी है, और आपको फिर एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिलेंगे। फिर इनकी थर्ड इनकम सोर्स होती है इनका इंश्योरेंस, और इंश्योरेंस में कुछ ज्यादा कमाते हैं, स्पेशली उन वाली कार्स में जिनकी कुछ ज्यादा हाइप है, मान लो ह्यूंडा क्रेटा, एक्सयूवी 7XO, महिंद्रा थार। और इसमें डीलरशिप क्या करते हैं कि आपको थोड़ा फोर्स करते हैं उनकी खुद की इंश्योरेंस लेने पे, और आपके दिमाग में फियर बिठाते हैं कि अगर आप बाहर से लेंगे तो आपको फुल कवरेज नहीं मिलेगी, अगर आप कभी क्लेम कराते हैं तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, और जो आपका एक्सपीरियंस है इतना बढ़िया नहीं होगा एज कम्पेयर टू हमारी खुद की इंश्योरेंस लेना। और फिर जो प्रीमियम वो चार्ज करते हैं कुछ ज्यादा भाई भयंकर होता है। जब मैं एक्सयूवी 7XO लेने गया था जो प्रीमियम है 50,000 रुपए के आसपास का था, लेकिन हमने दिया नहीं, वो बात की बात है। तो मान लो 50,000 की इंश्योरेंस होनी है एक्सयूवी 7XO की, जो कि वाजिब बनती है मार्केट में, जो डीलर्स है 1 लाख रुपए की शो कर रहे हैं, और जो कस्टमर है उन्हें लेनी पड़ रही है क्योंकि कोई और चारा नहीं है, गाड़ी की इतनी ज्यादा हाइप है और जो सप्लाई है थोड़ी कम हो रखी है। फिर अगला पार्ट है एक्सेसरीज में, और इसमें भी काफी डिसेंट इनका मार्जिन होता है, जिसमें अगर आप देखें तो जो कार डीलरशिप है कुछ ज्यादा महंगी एक्सेसरीज बेचती है अपनी गाड़ियों पे, जिसमें मान लो कि कोई भी एक्सेसरी है जो कि बाहर 5,000 की मिल रही है वो 15,000 की बेच देंगे, और जो कस्टमर है ले भी लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि कंपनी की चीज है बढ़िया ही होगी, और ऐसा होता भी है, पर जो ओवरचार्ज है कुछ ज्यादा ही होता है। फिर इनकी अगली इनकम सोर्स होती है गाड़ी को एक्सचेंज करने में, क्योंकि अगर आप कोई भी कार डीलरशिप के पास जाओ या फिर आप कॉल करते हैं तो सबसे पहले उनका सवाल होता है कि सर आपके पास कोई और गाड़ी है जो कि आपको एक्सचेंज करनी है। और इसमें जो कार डीलरशिप है उनके 2 फायदे होते हैं, पहला तो ये है कि जो कार डीलर्स की नई वाली गाड़ी है उनकी वो बिक जाती है और उनकी जो इन्वेंट्री है वो खत्म हो जाती है, तो इसलिए उनका एक फायदा ये है, और इस वाली गाड़ी को बेचने पे उन्हें कमीशन मिलती है। और सेकंड उनका फायदा ये होता है कि अगर वो किसी भी कस्टमर से उनकी पुरानी गाड़ी परचेज कर रहे हैं तो वो थोड़े डिस्काउंटेड रेट पे परचेज करते हैं, और फिर उस गाड़ी को रिफर्बिश करके उसे मार्केट में लाते हैं और थोड़ा एक्स्ट्रा उस पे पैसे कमा लेते हैं उसे बेचने पे, तो इसलिए 2 फायदे हो गए। और लास्ट इनकी इनकम होती है इनकी जो छोमू वाले चार्जेस होते हैं, फॉर एग्जांपल हैंडलिंग चार्जेस, सर्विस चार्जेस, फाइल हैंडलिंग चार्जेस, या फिर इनके टेफ्लॉन कोटिंग वगैरह, ये सारे बेकार के चार्जेस होते हैं जिसमें कोई एडिशनल वैल्यू ऐड नहीं होती गाड़ी पे, पर ये जो कार डीलरशिप्स है ये चार्ज करते हैं और जो कस्टमर है उन्हें जनरली पता नहीं होता इनके बारे में और वो पे कर देते हैं, और ये भी फिर ये जो कार डीलरशिप्स हैं इनकी एक एक्स्ट्रा इनकम बन जाती है और बढ़िया इनके मजे लगे रहते हैं। तो ये तो हो गया कि कार डीलर्स कैसे कमाते हैं अपनी नई गाड़ी बेचने पे, और अब आते हैं कि गाड़ी बिक गई उसके बाद कैसे कमाते हैं। तो मेन इनकम जो है काफी सारे कार डीलरशिप्स की शुरू होती है गाड़ी को बेचने के बाद, जिसमें जो मेन इनकम उनकी जनरेट होती है गाड़ी की सर्विस करने पे, जिसमें आपकी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद या फिर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद आपको अपनी गाड़ी की सर्विस करानी पड़ती है, और ये जो सर्विस होती है थोड़ी एक महंगे प्राइस पे होती है एक कार डीलरशिप से एज कम्पेयर टू बाहर से कराना। पर जो डीलरशिप है उसमें कराने से फायदा ये होता है कि आपकी जो गाड़ी की सर्विस रिकॉर्ड है एकदम बढ़िया रहती है, एकदम जेन्युइन पार्ट्स आपकी गाड़ी में डलती है, और आपको एक पीस ऑफ माइंड होता है कि आपकी जो गाड़ी है एकदम बढ़िया बंदों के पास जा रही है, ऐसे किसी चोमू के पास नहीं जा रही। और चोमू से याद आया कि जो 2022 वाली महिंद्रा स्कॉर्पियो है उसका इंडिया में लॉन्च होने वाला है, और महिंद्रा ने हमें टारगेट दिया है कि अगर उसके लॉन्च से पहले हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर होते हैं तो शायद हमें जो गाड़ी का लॉन्च है उसमें बुला लिया जाए और थोड़ा दिखा दिया जाए। तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, और जो
हमारा टारगेट है कार्वर्सल प्रोज के लिए, वो कंप्लीट करा दो। तो फिर मैं रिसर्च करने लगा कि जो कार डीलरशिप्स है वो क्यों ऐसे मिसट्रीट करते हैं अपने कस्टमर्स को, और मुझे लगा कि इंडिया में ही होता होगा, अमेरिका में या फिर यूरोप में तो होता ही नहीं होगा। और मुझे पता चला कि जो कार डीलरशिप्स है जो कि यूरोप के है या फिर अमेरिका के है, वो तो और ज्यादा ठग रहे अपने कस्टमर्स को एज कम्पेयर टू इंडिया वाले कार डीलरशिप। क्योंकि हमारे इंडिया में क्या होता है कि मान लो कि एक 20 लाख की गाड़ी है, उसकी बहुत ही हाइप है, तो डीलर क्या करता है कि 2-3 लाख रुपए एक्स्ट्रा लेके उस गाड़ी को 22-23 लाख में किसी और बंदे को बेच रहा है। पर जैसे हमारे इंडिया में एक शोरूम वाला सिस्टम है, अमेरिका में ऐसा कुछ नहीं है। अमेरिका में एमएसआरपी होती है और स्पेक का प्राइस होता है, और जो हर एक डीलर है वो अपनी गाड़ी को डिफरेंट प्राइस में कोट कर सकता है, और जो कस्टमर है फिर वो परचेज कर सकता है अगर उसकी मर्जी है। तो जैसे इंडिया में भी काफी लंबे लंबे वेटिंग टाइम चल रहे हैं गाड़ियों पे, वैसे ही अमेरिका में भी चल रही है। और वहां के डीलर क्या कर रहे हैं कि $40,000 की जो गाड़ी है उसे $60,000 पे लिस्ट कर रहे हैं, और फिर जो कस्टमर है अगर उसे खरीदता है या फिर नेगोशिएट करता है फिर वही से स्टार्ट करते हैं और फिर $45,000-50,000 पे आके उसकी डील फाइनल कर रहे हैं। और जो बाकी थोड़ी ऐसे है नहीं पॉपुलर कार्स, फॉर एग्जांपल लैंड क्रूजर, उसका जो यूज्ड वाला प्राइस है वो ज्यादा महंगा हो चुका है एज कम्पेयर टू न्यू वाला प्राइस, क्योंकि जो नया वाला वर्जन है उसकी डिलीवरी थोड़ी कम हो रही है। तो इसलिए जो डीलर है वो पुराने वाले वर्जन को इतने ज्यादा हाई प्राइस पे बेच रहे हैं कि भाई उसकी सेंस नहीं बनती। और ये जो कार डीलरशिप स्कैम है, इनका जो अकरेंस है कोरोना के बाद कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। और इसका जो रीजन आपको समझाता हूँ कि कोरोना में क्या हुआ कि जो सारी इकोनॉमी बंद हो गई, जो सारे कार डीलरशिप्स है बंद हो गए, और जो सारी कार फैक्ट्रीज है वो भी बंद हो गई। सबको लगा कि जो कार वाला सेगमेंट है एक लग्जरी सेगमेंट है, और इस वाले सेगमेंट की जो रिवाइवल है काफी टाइम लगाएगा। तो इसलिए जो सारे कार मेकर है उन्होंने जब प्रोडक्शन स्टार्ट करी तो काफी कम पेस में स्टार्ट करी एज कम्पेयर टू प्री कोविड लेवल। लेकिन हमारी इकोनॉमी में क्या हुआ कि एक वी शेप रिकवरी हुई, और स्पेशली कार मार्केट में। और ये जो वी शेप रिकवरी हुई इसका एक रीजन है जिसका नाम है रिवेंज बाइंग, जिसमें क्या होता है कि जो कस्टमर है अगर आप उन्हें मना करते रहो कोई चीज करने से और उन्हें बोलते रहो कि आप खरीद नहीं सकते, आप खरीद नहीं सकते, वो बंदा जाके 10 चीजें ले आता है। वैसे ही कि जो कस्टमर है रिवेंज ले रहे हैं कि मेरे पास पैसे है, अब मैं लेके दिखाऊंगा ये गाड़ी, और मुझे प्रोहिबिट करा कि मैं ले नहीं सकता। और इसका जो रिजल्ट आपके सामने है, XUV700 की 1 लाख बुकिंग हो गई, किया करेंस की 50,000 बुकिंग हो गई, टाटा पंच की 70,000 बुकिंग हो गई कुछ महीने में ही लॉन्च के। जबकि पहले क्या होता था कि जो गाड़ी है लॉन्च होती है, जो कस्टमर है देखते हैं कि जो बाकी के लोग हैं उनका क्या फीडबैक आ रहा है गाड़ी को लेके, और उसके बाद फिर गाड़ी को परचेज करते हैं। लेकिन अब तो गाड़ी लॉन्च हो रही है, उसके 1-2 महीने में लॉन्च के 70-80 हजार बुकिंग हो रही है इंडिया में। और अब क्योंकि जो कार मेकर्स है उनके पास इतनी ज्यादा बुकिंग है, जो डीलर्स है उनके पास भी इतनी ज्यादा बुकिंग है, तो इसलिए क्या हो रहा है कि जो कस्टमर है वो ज्यादा हो गए हैं और जो डीलर्स है जो सप्लाई है वो कम हो चुकी है। तो इसलिए अब क्या हो चुका है कि जो डीलर्स है उनके पास ज्यादा पावर आ चुकी है एज कम्पेयर टू कस्टमर, इसलिए भाई वो पूरी अपनी मर्जी चला रहे हैं, जो मर्जी करना कर रहे हैं, गाड़ियों को 2-2-3-3 लाख रुपए ओवर प्राइस करके बेच रहे हैं, साथ ही में जो इंश्योरेंस है उस पर इतनी ज्यादा कमीशन ले रहे हैं, जो फाइनेंस है उसमें भी कमीशन ले रहे हैं, जो एक्सेसरीज है कस्टमर को बोल रहे हैं कि आपको लेनी पड़ेगी तभी आपको गाड़ी की डिलीवरी मिलेगी, और जो कस्टमर है वो भी अपनी रिवेंज बाइंग के चक्कर में अपनी जो नीड्स है उन्हें फुलफिल करने के चक्कर में एक्स्ट्रा पैसे देने को तैयार हो रहा है। और मैं आपको अपना केस बताता हूँ, हमारे पास Hyundai Creta भी है नई वाली और XUV700 भी है, दोनों अपने सेगमेंट की सबसे हाइप्ड गाड़ी है फिलहाल। और Creta भी हमने तब ली थी जब उस गाड़ी की एकदम टॉप पे थी हाई, तो हमने इनिशियली सोच के रखा था कि जो Creta का SX वाला वर्जन है वो लेंगे। तो फिर जब हम कार डीलरशिप के पास गए वो कहता कि जो SX वाला वर्जन है उसे आने में 5 से लेकर 6 महीने लग जाएंगे और आपको गाड़ी पता नहीं कभी मिलेगी, तो इसलिए आप इससे बढ़िया जो हमारे पास गाड़ी अभी पड़ी है वो ले लो जिसमें 1.5 लाख की एक्सेसरी लगी हुई है। और हमने इस गाड़ी में 10 इंच की स्क्रीन लगा के इसमें बढ़िया लेदर की सीटें वीटें डाल के, बढ़िया LED लाइट्स वगैरह डाल के इसे SX मॉडल बना दिया है, और वो जो 1.5 लाख की एक्सेसरी है हमें खरीदनी पड़ी। और अगर आप मार्केट में देखो तो वो जो 1.5 लाख की एक्सेसरी है उनका प्राइस 50-60 हजार रुपए से ऊपर नहीं है बिल्कुल भी, तो 1 लाख रुपए उनका प्रीमियम बन चुका है। और जो XUV700 है उसमें भी ऐसा कुछ हो रहा था कि जो कार डीलर है वो कह रहा था कि 1.5 साल की वेटिंग है अभी आपको मिलने नहीं वाली, पर लकीली मिल गई जल्दी। और जो सारी हमारी टर्म्स थी, फॉर एग्जांपल फाइनेंस हमने अपने आप कराया, जो गाड़ी की इंश्योरेंस है खुद कराई, और जो डीलर है काफी कोऑपरेटिव बन चुका था, तो उसके लिए भाई थैंक यू महिंद्रा। और ये जो पूरा मिस ट्रीटमेंट है अगर आप देखें तो ये सिर्फ उन्हीं वाली कार्स में होता है जनरली जिनकी बहुत ही ज्यादा हाइप है, फॉर एग्जांपल Hyundai Creta, XUV700, महिंद्रा थार। लेकिन मान लो Citroen C5 है, उसमें कुछ नहीं होने वाला ऐसा, क्योंकि लोग उसे पूछ नहीं दे। और अब तो मुझे ऐसा भी लगने लग गया है कि हमें ये पता है कि थोड़ी बहुत सप्लाई कंस्ट्रेंट चल रही है, जो चिप शॉर्टेज है वो भी चल रही है, तो इसलिए गाड़ियां थोड़ी कम बन पा रही है। लेकिन मुझे तो ये भी लग रहा है भाई ये जो चिप शॉर्टेज है या फिर ये पूरी सिचुएशन है इसे थोड़ा ज्यादा एलिवेट करके जो डीलर्स है उसे दिखा रहे हैं ताकि उन्हें थोड़े एक्स्ट्रा पैसे मिल पाए, थोड़ी एक्स्ट्रा कमीशन मिल पाए। तो मैं तो आपको यही एडवाइस करूंगा कि अगर आप आजकल के टाइम में गाड़ी खरीद रहे हैं, स्पेशली वो वाली कार्स जो कि बहुत ही हाइप्ड है जिनका मैंने नाम लिया, तो भाई एकदम चेक करके लेना गाड़ी को, एकदम PDI उसका कराना बढ़िया सा, और कभी भी जो डीलर है उसकी टर्म पे मत चलना, अपने खुद की टर्म पे चलना, और बहुत ही सारे डीलर से कंसल्ट करके रखना कि गाड़ी का प्राइस क्या है, कितनी उनकी इंश्योरेंस वैल्यू है और कितने टाइम में डिलीवरी है। और गाड़ी खरीदते वक्त कभी भी एक सिंगल डीलरशिप पे डिपेंड मत होना, मल्टीपल से कंसल्ट करना। और मैं तो ये भी प्रेफर करूंगा कि जो डीलर है उसकी एकदम रेटिंग वगैरह और उसका चेक करके जाना,
जाना, क्योंकि भाई आजकल जो डीलर है कुछ ज्यादा ही चोमू हो रहे हैं और उन पे विश्वास करने वाला टाइम नहीं रह गया। तो यही था आज की वीडियो में, अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और प्लीज सब्सक्राइब करना अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी।